हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करूंगी गोल सेटिंग और अचीवमेंट। आज का शो स्टूडेंट्स के लिए है, पढ़ाई में, कैरियर में वो कैसे अपने गोल को सेट करें और उसको कैसे अचीव करें, उसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स आज देना चाहूंगी। तो सबसे पहली चीज़ है, अपने गोल को सिंपल रखें और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। ये मत करिए कि हाँ मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है या मुझे सक्सेसफुल बनना है। जो भी आप गोल बनाते हैं वो ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ टाइम बाउंड होना चाहिए। गोल को एक फिक्स टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है ये आपने सोच लिया। आप ये सोचो कि मुझे अगले एग्ज़ाम में, चाहे हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, उसके लिए गोल सेट करिए कि मुझे अच्छा करना है इस एग्ज़ाम में, मुझे इसमें 90% लाने हैं या मुझे इसमें 95% लाने हैं। तो एक अगर आप सेट करते हैं और एक टाइम बाउंड गोल होता है तो उसको आपको अचीव करने में भी आसानी होती है। तो जब आप अपने गोल को सेट करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहूँगी मैथ्स के बारे में। अपने आप को एक गोल देते हैं कि हाँ मुझे मैथ्स में 90% लाने हैं, तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग ये कि अगर 90% लाने हैं तो एक दिन पढ़ाई से तो नहीं होगा, तो डेली आपको एक घंटा मैथ्स पढ़ना है। तो जब आप डेली उसको पढ़ते हैं तो लास्ट मिनट की जो क्रैमिंग होती है उससे आप बच जाते हैं। साथ ही जब आपने एक गोल तो सेट कर लिया, ठीक है, तो फिर कंसिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। गोल सेट किया कि डेली पढ़ना है तो डेली आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। साथ ही जब आपने गोल सेट किया है तो अगली चीज़ आती है कि इवेलुएट करना। एक हफ्ते के बाद आप देखिए कि आप अपने गोल के कितने नज़दीक हैं। आपने जैसे हमने एक सब्जेक्ट लिया है मैथ्स, तो मैथ्स में आपने एक हफ्ते में कितनी पढ़ाई कर ली है, आप अपने गोल के कितने करीब हैं, कितना आपका बाकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक घंटा काफ़ी नहीं है तो आप उस टाइम को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो और जो आपका एक गोल है, एक एम है कि मुझे 90% या 95% लाने हैं, उसके आप बहुत करीब पहुँचते जाते हैं। और अगली बात ये है कि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, खुद को भी आप मोटिवेटेड रखिए। अगर आप पढ़ते हैं मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपने गोल रखा है, या इस नेक्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए या प्री बोर्ड के लिए जो भी आपने गोल रखा है, उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं बोर हो रहा हूँ पढ़ते पढ़ते, तो एक सवाल खुद से ज़रूर करिए कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों डेली इतना पढ़ाई को टाइम दे रहा हूँ, उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जब आप खुद से सवाल करेंगे तो आंसर भी आपको खुद ही मिल जाएगा कि आप इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हो ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ और आप एक अच्छा कैरियर बना सकें। तो एक सेल्फ मोटिवेटेड जब आप रहते हैं तो गोल को अचीव करने में आपको आसानी होती है। दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, खुद मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सेल्फ रिवॉर्ड, जैसे मैंने बोला ना सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है, वैसे सेल्फ रिवॉर्ड देना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि आपने एक हफ्ते के लिए जो भी सिलेबस रखा है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, या जो भी आपने सिलेबस रखा है, अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो खुद को ट्रीट दीजिए। अपनी पसंद का स्नैक्स खाइए, अपनी पसंद का टीवी शो कोई एक देख लीजिए, क्योंकि खुशी होती है ना, हमने जो एक टाइम बॉन्ड कोई चीज़ रखी है और हम उसको अचीव कर लेते हैं तो एक जो खुशी होती है, तो खुद को ट्रीट देना भी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपका एक मोटिवेशन का लेवल बना रहता है और आपको एक खुशी भी मिलती है कि हाँ मैंने इतना कर लिया है। आप एग्ज़ाम तक के लिए मेरे पास 2 या 3 टॉपिक और बाकी हैं और इस तरह तो मैं अपने गोल के काफ़ी नज़दीक पहुँच रहा हूँ और नो डाउट कि मैं गोल को अचीव कर लूँगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। और साथ ही दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो या जब अपने लिए गोल सेट कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए, जब भी गोल सेट करते हो
तो अपना ध्यान जरूर रखें अपने खाने पीने का, सोने के टाइम का, क्योंकि एक ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड भी हेल्दी होगा। तो जब आप फिट रहेंगे तो आपका दिमाग भी फिट रहेगा और आपको पढ़ाई करने में बहुत उससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर दिमागी तौर पे अगर आप फिट नहीं होंगे, थके हुए लगे होंगे, तो हो सकता है कि पढ़ाई में आपका मन ना लगे और अपना आप 100% ना दे पाएँ। तो आज हमने बात की कि हम कैसे गोल रखें और कैसे उनको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो गोल हमेशा स्पेसिफिक तो होना ही चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, साथ ही टाइम बाउंड होना भी बहुत ज़रूरी है। और किसी भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पेशेंस के साथ डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने गोल और अपने अचीवमेंट के लिए आपका डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे। मैं गीता अगले शो में आपके लिए फिर कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक्स लेकर उपस्थित होंगी। टिल देन स्टे फोकस एंड ऑल द बेस्ट।